Hello people, welcome back to the channel. My name is Rav Sharma and I study at IIM Rohtak IPL program. And काफ़ी ठंड हो रही है आजकल. मैं क्यों बाहर फिल्म करना है, मैं चलो आज एजुकेशनल कंटेंट एक बनाना है तो एक जगह बैठ के या फिर खड़े होकर फिल्म करते हैं. मैं कोई जगह ढूंढने दो, उसके बाद शुरू करते हैं मेन वीडियो. ऑल राइट, सो द पॉइंट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज क्लैट स्कोर अभी निकला है, तो आई थॉट ये वीडियो अभी इस टाइम के हिसाब से काफ़ी रेलेवेंट है एंड दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल. सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग दिस वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई आई एम इज डूइंग दिस आईपीएल प्रोग्राम. तो अगर आपको जिसको पता होगा, आई एम यूजुअली बिजनेस के रिलेटेड होता है, मैनेजमेंट के रिलेटेड कोर्सेज करता है, जैसे MBA हो गया. नॉर्मली सारे आई एम ये करते हैं, बट आई एम रोहतक इज द ओनली आई एम विच इज परस्यूइंग दिस आईपीएल कोर्स. दिस इज बेसिकली बिकॉज दे सॉ विजन दैट there is a demand in the industry for managers cum lawyers, so that's why they are fulfilling this demand. So let's start with technicalities. तो अगर आपको आई एम रोहतक में आने कैसे आ सकते हो आप, पहले तो eligibility criteria आपको first of all CLAT देना पड़ेगा. अभी के क्राइटेरिया के हिसाब से 2022 के हिसाब से CLAT आपको पास करना पड़ेगा. आपको 12th एंड 10th पास करनी पड़ेगी, उन दोनों के स्कोर क्योंकि रेलिवेंट होते हैं. एंड आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा. तो इन तीनों की वेटेज होती है 45% फॉर 12th एंड 10th मार्क्स, 40% फॉर क्लैट स्कोर एंड 15% फॉर योर इंटरव्यू. तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते कितनी परसेंटेज पे आप सिलेक्ट हो जाओगे, ये ऑब्वियसली डिपेंड करता है एवरी ईयर. मेरे 93% आए थे 12th में एंड 89% आए थे 10th में. एंड क्लैट में मेरा 59.75 स्कोर था एंड मेरा इंटरव्यू मुझे लगता है 6/10 गया होगा, तो वो करके मैं इधर आ तो गया. तो अगर आपने इधर आने तो या इट इज़ क्वाइट ईजी बिकॉज अभी कॉम्पिटिशन कम है, मगर जैसे ही कॉम्पिटिशन ज़्यादा होगा, जो कि मुझे लगता है 2023 में ज़्यादा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम अवेलेबल है अप्लाई करने का एंड ऑब्वियसली ज़्यादा बच्चे फिर आएंगे. एंड लेट्स टॉक अबाउट फीस. तो फीस आई एम रोहतक की है पूरे 5 सालों की, मैं बता रहा हूँ 5 साल की है, 32 लाख एंड 10,000 समथिंग. एंड मेस एंड हॉस्टल चार्जेस 5 ईयर्स के एंड 2 लाख समथिंग. तो बेसिकली 34 लाख आपका इधर रहने सहने का हो गया. एंड अलग से आपको जो पॉकेट मनी मिलती होगी, मिनिमम अगर आप 10,000 पर मंथ लगा के चलो तो 5 या 6 लाख मोर ऐड कर लो आपके 5 साल में आपके पर्सनल खर्चे के लिए. तो 40 तक आपको मिनिमम सोच के चलना चाहिए यहाँ पे खर्च हो जाएगा. मगर अभी ये तो आई एम गुड़गांव में, मेन जो IPL प्रोग्राम है वो आई एम रोहतक में है भी नहीं, मगर अभी मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 साल तक इधर रहेगा. एक्चुअल में ये आई एम रोहतक एक एक्सटेंशन कैंपस है गुड़गांव में, वहाँ पे होगा. तो वहाँ पे और चार्जेस हो जाएंगे क्योंकि खुद का PG वगैरह करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे नॉन रेजिडेंशियल होगा. तो या दैट्स अ फी स्ट्रक्चर. एंड यस, फी स्ट्रक्चर कैन बी अ बिग फैक्टर फॉर समवन चूजिंग दिस कोर्स. सो इफ इट्स वर्थ इट टू यू प्लीज चूज, अदरवाइज इफ इट्स वर्थ इट यू देन प्लीज ओनली चूज. क्या एक और चीज़ बताई थी, करिकुलम वाइज. करिकुलम आई एम रोहतक अगर मैं आपको इधर दिखाऊं तो काफ़ी हैवी लोडेड है. इसका ट्राइमेस्टर सिस्टम है, एक साल में 3 सेमेस्टर होते हैं, 4 महीने का एक सेमेस्टर. एंड हर सेमेस्टर में मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं. एंड मुझे इसका करिकुलम बेस्ट लगता है. अभी तक के जितने भी कॉलेज हैं जो BBA लॉक कराते हैं, वो आई एम रोहतक मुझे करिकुलम बेस्ट लगता है. एंड वो बहुत एक बड़ा फैक्टर था मैं यहाँ पे जो आया था. एंड इसका करिकुलम काफ़ी हैवी लोडेड है विद बिजनेस के सब्जेक्ट्स, काफ़ी जैसे इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, अकाउंटेंसी एंड काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी, IT, बैंकिंग कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं एंड फिर लॉ के भी सारे मिले हुए सब्जेक्ट है. तो 5 साल में ऐसे नहीं है कि पहले आप BBA करोगे फिर LLB करोगे जैसे नॉर्मली IPA में होता है. इसका 5 साल आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ते रहने पड़ेंगे BBA एंड लॉ. करिकुलम को मैं इधर 9/10 रेट करूँगा क्योंकि बहुत अच्छा करिकुलम है. एंड मुझे ये फैक्टर लगा यहाँ पे आने के लिए. अगर आपको फैक्टर लगता तो आप भी ज़रूर आने, एक बार करिकुलम को चेकआउट कर लेना, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा. लास्ट पार्ट, मेरा एक्सपीरियंस ऑफ माय फर्स्ट टर्म एट IPL प्रोग्राम. तो यस, मेरा अभी IPL प्रोग्राम का फर्स्ट टर्म ख़त्म हुआ है जिसमें अभी तक मार्क्स मेरे आए नहीं है, बट मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ रहे थे. अभी मैं जैसे मिड टर्म में अच्छे खासे मार्क्स आए, फाइनल टर्म के मार्क्स आए नहीं है. तो यह पढ़ाई काफ़ी अच्छी है. बाहर की फैकल्टी आ रही है, हमारे IBOM जो बिजनेस स्टडीज़ है उसमें बाहर टर्की से एक आई थी फैकल्टी एंड सोशोलॉजी में भी बाहर से आई थी, लॉफ्ट टॉर्स में भी बाहर से आई थी फैकल्टी. तो ये बाहर की फैकल्टी को बहुत एंगेज कर रहे हैं. एंड या अभी मेरा फर्स्ट टर्म काफ़ी अच्छा रहा. पढ़ाई के मामले में काफ़ी अभी
पहले मैंने नोटिस करा है, पहले कुछ टर्म बिजनेस हैवी रहेंगे कि बिजनेस के सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ा रहे हैं एंड बाद में ज़्यादा लॉ के सब्जेक्ट पे फोकस होगा। तो मैं वो ज़्यादा लॉ के एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि मैं लॉ करने आया हूँ उधर। कॉर्पोरेट लॉ, ये लोग कॉर्पोरेट लॉयर ज़्यादा बनाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लॉयर तो ऑब्वियसली बन नहीं जाएंगे, मैं कॉर्पोरेट नॉलेज के लिए ज़्यादा ये मुझे लगता है प्रेफर करते हैं। एंड मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मूड कोर्ट हुआ था इधर, मूड कोर्ट का मैंने व्लॉग थोड़ा सा बनाया था, मैं वगैरह अपलोड नहीं करा। बाकी इधर बैडमिंटन है, जो बैडमिंटन में बहुत खेलने जाता हूँ, यहाँ पे मुझे एक अच्छा सा अपना रिलैक्सिंग टाइम मिल गया बैडमिंटन में। बाकी यहाँ पे लोग अच्छे हैं, क्वालिटी पीपल अच्छे हैं, क्वालिटी ऑफ पीपल अच्छी है। यहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स हमारे MBA के लोग हैं, ये MBA का ही पीछे डॉम है मेरे ख्याल से। एंड या ऑलराइट, तो मैं हॉस्टल का बताना भूल गया था, हॉस्टल कैसा है। तो देयर आर 4 पीपल इन 1 बेडरूम। मैं अभी हॉस्टल में बैठा हूँ, तो मेरा ऐसे का कुछ सेटअप है अपने चेयर टेबल का, वो मेरा बेड है, वो मेरे रूममेट का बेड है, वो मेरे रूममेट का बेड है, वो सारे रूममेट का बेड होगा। एंड वॉशरूम कॉमन वॉशरूम है, जहाँ पे एक जगह कॉमन वॉशरूम है बहुत सारे। तो या दैट्स द हॉस्टल फॉर यू। मैंने एक पूरा हॉस्टल टूर अपने यूट्यूब चैनल पर डाला, सो डू चेक इट आउट एंड लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मेरा फर्स्ट टाइम अच्छा रहा। एंड अगर आपको IIM रोहतक ज्वाइन करना है अपने क्लैट के बाद एंड यू वॉन्ट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अ नेम टैग, अगर आपको क्योंकि NLU का नहीं मिला, तो IIM इज लाइक एन अदर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, जैसे NLU, IIT वगैरह होते हैं। तो अगर आपको वैसे का नेम टैग चाहिए किसी ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट का, तो आप क्लैट के बाद IIM में भी आ सकते हो, IIM रोहतक में सिर्फ। एंड अगर आपको अप्लाई करना है तो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हो, क्लिक हियर टू अप्लाई करके उधर ऑप्शन होगा। एंड वेरी बैड एक्सपीरियंस, यहाँ पर मैं बाहर पहली बार वीडियो शूट करने आया था। ओके, काफ़ी ठंड भी है एंड काफ़ी लोग भी दिख रहे थे मुझे आसपास जाते हैं, तो काफ़ी पॉज करना पड़ा मुझे। बट यस, वी लर्न एंड ग्रो। एंड डू सब्सक्राइब टू चैनल इफ यू आर न्यू हेयर एंड इफ आई हेल्प यू इन एनी केस। एंड आई विल सी यू अनदर डे, टिल देन पीस।